हेलो एवरीवन, हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है। जो प्री एग्ज़ाम हुआ था, इसका रिज़ल्ट आज आ चुका है। टोटल 33 पोस्ट थी। पोस्ट कोड का नंबर है 729। 21 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। और 26,320 एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई थी, जिसमें से 22,524 एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। 22,524 एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया गया था। रिटर्न ऑब्जेक्टिव टाइपिंग जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, वो हुआ था 21 जुलाई को हुआ था। 17,731 कैंडिडेट अपीयर हुए थे इसके एग्ज़ाम में, ठीक है। और जो 619 बच्चे हैं जो प्री एग्ज़ाम को क्लियर कर पाए, उन्हें शॉर्ट लिस्टेड किया गया है सेकेंड मेन एग्ज़ाम के लिए, जो होगा आपका फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट। और ये कब होगा वो आपको मैं अभी बताऊंगा। ये देख लीजिए पहले रोल नंबर कौन कौन से हैं जो एग्ज़ाम क्लियर कर पाए हैं, वो आपके सामने ये सभी नंबर है जो जो जिन्होंने ने एग्ज़ाम क्लियर किया है। कितने बच्चे अपियर होंगे सेकंड जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, वो होगा 691 बच्चे टोटल अपीयर होंगे। देखो टोटल 6,691 कैंडिडेट्स। फिजिकल टेस्ट होगा वो आपका होगा पॉलिटेक्निकल कॉलेज बड़ू हमीरपुर में। वहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, एज प्रूफ जो 10th का होता है वो लेके जाना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज होनी चाहिए, 1 ID प्रूफ होना चाहिए को जो आपको, एंड कॉपी ऑफ डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके लेके जाना है, ठीक है। अपना करेक्टर सर्टिफिकेट, करेक्टर की जरूरत नहीं है सॉरी, पर जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपने लेके जाना है। जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा सब इंस्पेक्टर के सेकंड एग्ज़ाम को अपीयर करने के लिए, वो होगा 14/10/2019 से 16/10/2019 को। सुबह आपको 9:30 बजे वहाँ पे ग्राउंड में, सुबह आपको ग्राउंड में पहुँचना है 9:30 से पहले पहले, ठीक है। 9:30 बजे सभी बच्चों को बैठाना शुरू कर दिया जाएगा। और 691 बच्चे हुए हैं, आप मेरे हिसाब से 2-3 आवर में फ्री हो जाएंगे। 12 बजे तक सब फ्री हो जाएंगे वहाँ से। कौन कौन होता है थर्ड एग्ज़ाम के लिए, जो होगा डिस्क्रिप्टिव। चलो ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।